हेलो। देखिए भाई, आपका एविडेंस एक्ट चल रहा था और एविडेंस एक्ट में फिर जो कल बताया गया था फिर एक बार दोहरा के तब आगे बढ़ा जाए। देखिए, हम आपका कल भाग दो शुरू किए थे, यानी कि साक्ष्य अधिनियम का भाग दो, और हम बताए थे कि भाग दो में आपका क्या दिया गया है, किस बारे में प्रावधान है, पहले ये जानना है। तो सबूत के विषय में दिया गया है, यानी कि प्रूफ के विषय में, और अध्याय दो किस धारा से किस धारा नहीं भाग दो किस धारा से किस धारा तक है, ये आपको लिखना है। तो वह जो अध्याय माने भाग दो है वह सेक्शन 56 से लेकर 100 तक है, ये याद रखना है। अब इसमें भाग दो में कुछ अध्याय हैं और उन्हीं अध्यायों को हमें शुरू करना है। तो भाग दो में आपका तीसरे अध्याय से शुरू होगा। किस अध्याय से? तीसरे से। और आपका तीसरा अध्याय कहाँ से कहाँ तक है? तो 56 से लेकर 58 तक। और इसमें क्या है? तो इस अध्याय में वे फैक्ट दिए गए हैं, वे तथ्य दिए गए हैं, या वे बातें दी गई हैं जिन्हें की प्रूफ या साबित या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, फिर एक बार भूमिका बनाया जाए। यहाँ से आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, और ज़्यादा लोग गलत करके भी आते हैं। फिर एक बार देखिए, हमने बताया था कि सामान्य नियम यह है, यानी कि जनरल रूल यह है कि प्रत्येक तथ्य को या प्रत्येक घटना को या प्रत्येक बात को या प्रत्येक वाक्य को या प्रत्येक फैक्ट को न्यायालय में या तो ओरल एविडेंस द्वारा यानी कि मौखिक साक्ष्य द्वारा या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। यानी कि हर एक बात, न्यायालय किसी बात को तभी स्वीकार करेगा जब या तो मुख से आप बोले गए शब्दों द्वारा या डॉक्यूमेंट पेश करके उस बात को न्यायालय में प्रूफ करिए। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। तीन ऐसे तथ्य हैं या तीन ऐसी बातें हैं जिन्हें न्यायालय में प्रूफ या सिद्ध या साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो किनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, कल एक लिस्ट बनाई गई। फिर एक लाइन याद रखिए, पहला हम बताए थे जुडिशियल नोटिस, यानी कि जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करता है या जिन तथ्यों के बारे में न्यायालय न्यायिकतः नोटिस पाता है या न्यायिकतः सूचना प्राप्त करता है, इसको हम बताएंगे। अभी आपका तुरंत 56 है। दूसरा हमने बताया था प्रिजम्पशन, यानी कि उपधारणाएं या अनुमान, और इसके लिए हम बताए थे सेक्शन 79 से लेकर और 90A तक पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा जो आपका एरिया कवर करना है वह कवर करना है 107 से लेकर 114A, यानी कि धारा 107 से लेकर 114A। इन दोनों में प्रावधान है, दोनों जगह कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनका न्यायालय अनुमान लगाता है, और जैसे ही न्यायालय अनुमान लगा लिया अब उस बात को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तीसरा एडमिशन या स्वीकृति बताई गई थी, और उसमें कौन स्वीकृति बताई गई थी, न्यायिक की गैर न्यायिक। तो आपका न्यायिक, न्यायिक स्वीकृतियों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ ये बनता है कि किसको साबित नहीं करना है, किसको साबित करना है, तो एडमिशन में भी फंसा सकता है कि किस स्वीकृति को साबित करना अनिवार्य है, आवश्यक है, तो गैर न्यायिक मारिएगा, और किसको प्रूफ करना आवश्यक नहीं है तो जुडिशियल या न्यायिक। अब न्यायिक स्वीकृति के बारे में किस सेक्शन में प्रावधान है तो अगले चैप्टर में ही आएगा, 58 में। तो आइए अब शुरू किया जाए, धारा से सामान्य बातें हो गई।
आइए 56 निकाल लीजिए भाई, यहाँ से आपका लिख्स को हम लिखवा देंगे अभी आपका, यानी कि सोमवार उमवार को। पहले लेक्चर समझिए, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई पुराना नोट्स जो दिया गया है आपका उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से लिखवा भी दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, आपका अध्याय 3 हम शुरू करते हैं, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, यानी कि वे फैक्ट जिनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितने तथ्य हमने बताए हैं अभी? 3, और उसमें आपका पहला तथ्य ये चलेगा। देखिए अब सेक्शन 56 देखिए, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। तो बस एक लाइन ये कहा गया है बेरेक में, जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। ये किस सेक्शन में कहा गया है? तो 56 में। अब किन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा? ये 56 में नहीं, बल्कि अगले सेक्शन 57 में मिलेगा। तो हल्का हल्का अंतर है, न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है ये किस धारा में? तो 56 मार कर आइएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि किस धारा के तहत न्यायिक अवेक्षा की जाती है तथ्यों की, तो 56 नहीं, किस धारा? 57। दो क्वेश्चन यहाँ बने। अब न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य होते क्या हैं भाई? आपका तो ये बताया नहीं गया है, यानी कि कौन से तथ्य जुडिशियल नोटिस वाले तथ्य होंगे इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो परिभाषा एक बनाएंगे अपने मन से, ऐसे तथ्य या ऐसी बातें जिसे न्यायालय स्वतः जानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए बाध्य होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तथ्य जिनके बारे में ये माना जाता है कि ये तथ्य या ये बातें न्यायालय के हृदय में निवास करती हैं, इन बातों को न्यायालय स्वयं जानने के लिए बाध्य होता है, और अगर इनको साबित किया जाए तो हर्ट को ठेस पहुँचेगी। यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसे न्यायालय अपने आप या सेल्फ या स्वयं जानने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। उन्हीं तथ्यों को हम एक लाइन में क्या कहेंगे? न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य या जुडिशियल नोटिस वाले तथ्य या न्यायिकतः सूचना प्राप्त करने वाले तथ्य। विवेक नहीं है, न्यायालय क्या है? बाध्य। अब किन तथ्यों की न्यायालय, यानी कि किन बातों को न्यायालय स्वतः जानने के लिए बाध्य हैं, पक्षकार से नहीं कहेगा कि आप से साक्ष्य पेश करिए, उन तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख अगली धारा यानी कि किसमें किया गया है? 57। तो पहले तो 57 का प्री में जो सामान्य आता है बातें वे बता दी जाएं। लेकिन भाई अगर आप चाहते हैं कि किसी भी हाल में गलती न हो, कहीं से भी क्वेश्चन बने बिहार जैसे, तो जितने तथ्य हैं वह याद करिए और मेंस के लिए रट्टा मारना पड़ेगा। देखिए भले न समझ में आए, आप इन 13 तथ्यों को रट्टा मार कर जाइए, रट लीजिए घर पर जाकर, हम फिर कह रहे हैं। देखिए आपका सेक्शन 57 में उन 13 बातों या तथ्यों या फैक्ट का उल्लेख है। याद रखिए पहला क्वेश्चन कितने तथ्य, तो अभी टीपीए में बताया गया धारा 6 में कितने अपवाद हैं, और 499 आईपीसी में। तो फिर एक बार बताइए 57 में आपका कितनी ऐसी बातें हैं जिसकी जुडिशियल नोटिस न्यायालय करेगा? 13, पहला क्वेश्चन 13 बातें हैं। अब वही 13 बातों को एक एक करके पढ़ना है, मैं तो समझा ही रहा हूँ, फिर भी एक बार कहा जा रहा है कि इसको क्या करिए, रट्टा मारिए। देखिए क्वेश्चन का मॉडल पहले बता दिया जाए, तब डिटेल में हम बताते हैं। क्वेश्चन का जो अब तक का मॉडल रहा है, 13 तथ्य या 57, या आपका हिंदू ला मुस्लिम ला पूछ लेगा क्या ये भारतीय विधि हैं कि नहीं हैं, और इनकी भी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी।
या चाहे स्पेशल ला हो या लोकल ला, जो बिहार में बनाया आपका, वह आपका अंदर से जाकर बनाया, और चार ऑप्शन ऐसा फ्री में दिया जहाँ कि अगर कोई नहीं पढ़ा रहेगा पूरा तो उलझ जाएगा। तो भाई अगर अंदर से पूछ ले तो दिक्कत है, लेकिन केवल बिहार आयोग ने एक बार अंदर से क्वेश्चन फ्री में बनाया और आपका और कोई आयोग आज तक बनाया नहीं है। देखिए आपका 57 भाई शुरू किया जाए। वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी, अब आपका करनी होगी, करनी होगी मतलब विवेक है कि थोड़ा दबाव देकर किया गया है, अर्थात बाध्यकारी है कि न्यायालय इनको स्वतः क्या करे जाने। तो आखिर न्यायालय किन किन बातों को स्वतः जानने के लिए बाध्य हैं और पक्षकारों से सबूत की मांग नहीं करेगा, तो वे बातें 57 में लिस्ट दी गई हैं। और कितनी लिस्ट में बातें हैं? 13। अब एक एक देखिए। न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा, कर सकेगा नहीं, क्या लिखा है? करेगा मतलब बाध्य है कि विवेक बाध्य। पहला क्वेश्चन देखिए कह करके। पहला है, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां, यहीं से आपका यूपीजे और यूपीएपीओ में अलग अलग क्वेश्चन बना है, अर्थात भारत में जितने कानून लागू है, वर्तमान में जितने कानून भारत में लागू हैं, उन सभी कानूनों को न्यायालय स्वतः जानने के लिए बाध्य है। आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, जहां पूछा जाता है वहां देखा जाए। आपका मुस्लिम विधि और हिंदू विधि, अब ये है कि क्या हिंदू विधि भारत में लागू है कि नहीं, इन्फोर्स है कि नहीं, प्रवृत्त है कि नहीं है, तो हिंदू विधि की न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा कि नहीं? करेगा। दूसरा, मुस्लिम विधि भी भारत में लागू है, अतः मुस्लिम विधि की भी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। इसके बाद भूमि संबंधी जितने कानून हैं उसकी भी की जाएगी। जितने स्पेशल लॉ बने हैं, विशेष विधि बने हैं भारत में लागू हैं, उनको भी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। जितने लोकल लॉ बने हैं उनकी भी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। और जितनी भारत में प्रथाएं प्रचलित हैं, यानी कि जिन्हें विधि का दर्जा प्राप्त है, उन सभी प्रथाओं की भी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस इत्यादि की तो की ही जाएगी, भूमि संबंधी विधियों की भी की जाएगी, मुस्लिम विधि की भी की जाएगी, हिंदू विधि की भी, और आपका स्पेशल लॉ के भी, लोकल लॉ, और जितने कस्टम और यूजेज हैं, यानी कि जितनी परंपराएं भारत में हैं, उनकी भी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। तो इसी में क्वेश्चन बना था, किसकी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और दोनों, इनमें से कोई नहीं तो दोनों मार कराइए। दे देगा कि आपका विशेष विधि, स्थानीय विधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तब क्या मारेंगे? दोनों, यानी कि इन सब की जाएगी। भारत में जितने कानून क्या हैं वर्तमान में लागू। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक उदाहरण बताया जाए भाई, आपका आईपीसी का कल भी बताया गया, मान लीजिए कोई वकील साहब हैं और न्यायालय में जाकर ये कहें कि हजूर आईपीसी की धारा 300 में हत्या परिभाषित है, हम आपको बता रहे हैं, और 302 में दंड है, ये भी आप जज साहब को, वकील साहब बता रहे हैं, तो जज साहब कहेंगे कि जाकर 57 पढ़ लीजिए, भारत में जितने कानून लागू हैं, मैं तो स्वतः जानने के लिए क्या हूँ, बाध्य हूँ, आप ये सब फालतू बातें न करिए, आप अपनी बात करिए, आप अपना मैटर रखिए कि क्या आपका मैटर सेक्शन 300 में आता है कि नहीं, आप ये रखिए, धारा और कानून हमें न बताइए। हाँ, शब्दों की व्याख्या आप करिए,
लेकिन ये ना बताइए कि ये धारा में ये है, ये है कानून है। कानून हम जानते हैं और आप अपनी तथ्य रखिए, कानून नहीं। दूसरा देखिए भाई, दूसरा खंड, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम माने यूके, यूके मतलब ना आए तो ब्रिटेन या इंग्लैंड लिख लेना है बैरक पर ही। यूके यानी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्वारा पारित या एतत्पश्चात माने इसके बाद पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट तथा वे समस्त स्थानीय और पर्सनल एक्ट जिनके बारे में यूके की पार्लियामेंट ने निर्दिष्ट किया है कि उनकी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। अब अच्छे से इसको समझना है भाई, यानी कि चूंकि ये जो आपका एविडेंस एक्ट है, ये कानून अंग्रेज बनाए थे 1872 में, तो अंग्रेजों ने ये लिख दिया था कि इंग्लैंड की संसद जितने कानून पारित कर चुकी हैं उन सभी कानूनों को भारत के न्यायालय जानने के लिए क्या है बात, ये लिख दिए। और जो आगे कानून पारित किए जाएंगे उन कानूनों को भी भारत के न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेने के लिए बाध्य हैं, यानी कि जो संसद 1872 के पहले पारित कर चुकी हैं और 1872 के बाद क्या करेगी पारित, उनको भी भारत के न्यायालय मानने के लिए क्या हैं बाउंड हैं बाध्य हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, वे समस्त लोकल लॉ और पर्सनल लॉ, यानी कि इंग्लैंड में जो लोकल लॉ है, लोकल लॉ मतलब कि जो स्थानीय विधियां हैं, या पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ यानी कि व्यक्तिगत विधियां, व्यक्तिगत विधियां मतलब कि ईसाई धर्म के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, यहूदी के लिए अलग कानून, अगर ऐसा कानून किसने पास किया हो, इंग्लैंड की संसद या वहाँ के किसी प्राधिकारी ने, और इंग्लैंड की संसद ने ये घोषणा की है कि इंग्लैंड के जितने न्यायालय हैं इस इन लोकल लॉ और पर्सनल लॉ की जुडिशियल नोटिस लेंगे, तो भारत के न्यायालय भी उनकी क्या लेंगे जुडिशियल नोटिस। यानी कि वर्तमान समय में उतना इसका महत्व होते न होते हुए भी आज भी कानून में ये प्रावधान बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब इंग्लैंड में किसी शहर में क्या लोकल एक्ट हैं, अब क्या ज़रूरत है रखने की, या इंग्लैंड में आपका हिंदू हिंदुओं पर क्या कानून है, मुस्लिमों पर क्या कानून है, क्या ईसाइयों पर कोई अलग कानून बना है, और जिसके बारे में इंग्लैंड की संसद ने कहा हो कि न्यायालय इन कानूनों को भी जानने के लिए क्या होंगे बाध्य, तो अब इसका कोई मतलब भारत में नहीं है। लेकिन वही समस्या की थाती बनाकर चले गए, तो इसमें धारा 57 में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन भाई संशोधन हम आप करेंगे नहीं, करेगी संसद। अब संसद करे न करे उसके ऊपर है। अगला देखिए, तीसरा देखिए, भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना, यानी कि तीनों सेनाओं के लिए युद्ध की नियमावली, यानी कि तीनों सेनाओं के युद्ध की नियमावली क्या है, वार के क्या नियम हैं। अब ये साबित न करिए न्यायालय तीनों सेनाओं के युद्ध के नियमों को स्वयं जानने के लिए क्या है बाध्य। चौथा देखिए भाई, यूके की पार्लियामेंट, भारत की संविधान सभा, संविधान की तथा किसी प्रांत या राज्यों में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अधीन स्थापित विधानमंडलों की कार्यवाहियों का अनुक्रम। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड की संसद में किस प्रकार कार्यवाही चलती है, उस इस बात को जानने के लिए भारत के सभी न्यायालय क्या हैं बाध्य। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा की
किस प्रकार से कार्यवाही चलती थी इस बात को भी न्यायालय जानने के लिए क्या है बाध्य। अगला, संसद की कार्यवाही किस प्रकार चलती है, यानी कि लोकसभा कैसे चलती है, राज्यसभा कैसे चलती है, कब शून्यकाल होता है, कब प्रश्नकाल होता है, कब चर्चा कैसे पास होता है कोई प्रस्ताव, ये सिद्ध नहीं करना है, ये न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है। तो आप कहेंगे कि साबिते क्या करना है भाई, जब सब कुछ न्यायालय ही जान लेगा, तो लास्ट में बताया जाएगा। थोड़ा आपका लास्ट वाला भी बता दें कि यदि न्यायालय को संदेह उत्पन्न हो जाए कि क्या भाई इसको हम जानने के लिए बाध्य हैं कि नहीं, तो ऐसी दशा में न्यायालय सबूत की मांग कर सकता है। यानी कि सब कुछ 13 पॉइंट पढ़ाया जाएगा और एक पॉइंट ऐसा लास्ट में पढ़ाया जाएगा कि सब कुछ विफल हो जाएगा और इसीलिए न्यायालय विफल कर देते हैं। लेकिन संसद की कार्यवाही कैसे चलती है, राज्य विधान मंडल की कार्यवाही कैसे चलती है भारत में, राज्यों में, ये बातें जानने के लिए न्यायालय क्या है स्वयं बाध्य। इसकी भी जुडिशियल नोटिस। पांचवा देखिए, ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का राज्यारोहण और राज हस्ताक्षर। इसका मतलब कि इंग्लैंड में सम्राट का राज्यारोहण कब हुआ, यानी कि इस समय आपका एलिजाबेथ सेकेंड है, तो एलिजाबेथ सेकेंड कब गद्दी पर बैठी, ये साबित नहीं करना है, भारत के न्यायालय स्वतः जानने के लिए क्या है बात। और उनका राज हस्ताक्षर मतलब ये हुआ कि एलिजाबेथ सेकेंड किस मॉडल का साइन करती हैं। तो हर एक न्यायालयों में साइन भेजा जाएगा, तभी तो न्यायालय जानेंगे, भाई ऐसे कैसे जान लेंगे। लेकिन आपका इंग्लैंड की महारानी का साइन जानने के लिए भारत के न्यायालय आज भी क्या है बात। अब विवाद उत्पन्न होगा तो आपका वहीं बताया जाएगा लास्ट में। देखिए छठवां, वे सब मुद्राएं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करते हैं भारत में के सब न्यायालयों की ओर से केंद्रीय सरकार या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालयों की मुद्राएं नवाधिकरण और समुद्री अधिकारता वाले न्यायालयों की और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं और वे सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या यूके की पार्लियामेंट के किसी एक्ट या भारत में विधि की बल रखने वाले अधिनियम या विनियम द्वारा उपयोग करता है। यानी कि इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ कि जितने इंग्लैंड में आपका क्राउन और इत्यादि की मुद्राएं हैं, यानी कि मुद्रा माने मोहर, मोहर मतलब सील हुआ, यानी कि मुद्रा मारते हैं ना आप लोग, जैसे कि अटेस्टेड किया जाता है, तो उसी को मुद्राएं कहते हैं भाई। तो आपका कौन प्राधिकारी किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करता है, तो भारत के जितने प्राधिकारी मोहर का प्रयोग करते हैं इनका यही मोहर है, ये जानने के लिए न्यायालय क्या है बात। तो देखिए लड़के क्या करते हैं, ये 707 है। पहले जब फार्म भरा जाता था तो ये होता था कि गजेट माने राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करके लाइए सर्टिफिकेट। तो लड़के करते क्या थे कि किसी प्राचार्य या किसी तहसीलदार या डॉक्टर साहब का 10 रुपया में, उस समय मोहर 15 बनता था, 8 रुपया 10 रुपया, अब तो भाई 25-30 रुपया बन जाता है, तो जाते थे 10 रुपया खर्चा करते थे, मोहर बनवा लेते थे। और जब भी आपका कह सकते हैं कहीं भी फार्म भेजना हो तो खुद साइन मार कर या मित्र से मरवा कर और मोहर मार कर डेट क्या करते थे। लेकिन मोदी जी ने इस सिस्टम को ही समाप्त कर दिया और कहा कि अब सेल्फ अटेस्टेड चलेगा, तो मुद्रा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ज़्यादा, अब कभी कल इंटरव्यू इत्यादि में पड़ती है मेंस में, लेकिन ऐसे नहीं, अब सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्व प्रमाणित मांगा जाता है। इंटरव्यू में थोड़ा पड़ती है लेकिन आपका प्री मेंस में अब नहीं।
तो अगला देखिए आपका मुद्रा के बारे में। अब सातवां देखिए, किसी राज्य में किसी लोक पद या तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कार्य, हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उसकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस पर या लोक पद पर आसीन है, नियुक्त किया गया है, और जब उसे नियुक्त किया गया था तो पब्लिक नोटिस जारी की गई थी, यानी कि राजपत्र में वह बात क्या की गई थी, प्रकाशित, वही प्रकाशित की जाती है, और ऐसी दशा में न्यायालय बाध्य है कि उसका नाम जाने, क्योंकि वहाँ से लिस्ट मंगा लेगा। भाई कहाँ से लिस्ट मंगा लेगा कि कौन किसका किसका सिलेक्शन में नाम है, लिस्ट में नाम है, सरकार से उसका नाम जानने के लिए बाध्य है। उसका पद क्या है, कब वह पद पर बैठा, कब ज्वाइनिंग किया, वह कब पद पर बैठा, उसका कार्य क्या है, उपाधि क्या है, माने उसकी पदवी क्या है इत्यादि, उसका उपाधि पदवी और साइन, वह किस प्रकार सा के साइन करता है, इस बात को न्यायालय जानने के लिए स्वयं क्या है बात। अगला देखिए आठवां, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज। इसको आप जोड़ सकते हैं इस समय अफगानिस्तान से। देखिए भारत सरकार ने द्वारा मान्यता प्राप्त, देखिए मान्यता आपका हो सकता है ले ले मैं पूछ ले, इस समय मान्यता दो प्रकार की होती है, एक तथ्यता और दूसरा विधिता। तो जब कोई देश संघर्ष द्वारा आज़ाद होता है तो तत्काल विधिता मान्यता नहीं दी जाती, सामान्यतः तथ्यता दी जाती है और बाद में आपका विधिता दी जाती है। जैसे कि आपका अफगानिस्तान में तालिबान मान्यता के लिए छटपटा रहा है मछली जैसे, और कुछ देशों ने मान्यता दे दी, और पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है और इस बात का जोर लगा रहा है कि अफगानिस्तान यूएन में पहुंच जाए, लेकिन यूएन ने मना कर दिया। तो मान्यता का मतलब कि ये हुआ कि हम आपको इस देश की सरकार के रूप में मानते हैं। तो पाकिस्तान भी मान लिया, चीन भी मान लिया और कुछ देश मान लिए, उसका इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ये पड़ेगा कि अफगानिस्तान की जो संपत्ति उस देश में रहेगी, जो धन रहेगा, उस पर वह सरकार दावा कर सकती है। जैसे एक उदाहरण देखा जाए भाई, जैसे कि मान लीजिए अगर अमेरिका ने तालिबान को मान्यता दे दी तो इसका प्रभाव देखिए क्या होगा। इसका प्रभाव ये होगा कि आपका माने पुरानी सरकार की जितने अकाउंट हैं खाते में पैसा, जितनी वहाँ संपत्तियाँ हैं, नई सरकार पाने का हकदार हो गई। मान्यता का मतलब ये होता है, बहुत लच्छी रूप से लागू होती है मान्यता। तो मान्यता का भाई बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए आपका यानी कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या संप्रभु का अस्तित्व, यानी कि भारत सरकार ने विश्व के कितने देशों को मान्यता सरकारों को दी है, ये न्यायालय स्वतः जानने के लिए क्या है बात। अगला आपका उपाधि, यानी कि उस देश में उपाधि क्या है, पदवी क्या है, और उस देश का आपका राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल आपका फ्लैग क्या है, इस बात को भी न्यायालय जानने के लिए बाध्य हैं। तो हर एक देश का अपना क्या रहता है, अलग अलग झंडा रहता है, और इसी झंडे के लिए देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। यानी कि भारत के भी सैनिक जब शहीद होते हैं तो तिरंगा में लपेट कर सब आता है और आपका काफ़ी सम्मान दिया जाता है, और इसी तिरंगे के लिए लाखों हजारों लोग आपका शहीद भी हुए स्वतंत्रता संग्राम में, और आपका कह सकते हैं तो सब देश का अपना अपना झंडा होता है। अगला नौवां देखिए भाई, समय के प्रभाग
यानी कि समय का चक्र कैसे कैसा चलता है, प्रभाव क्या होता है। अब ये न साबित करिए कि पहले सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। ये न्यायालय स्वतः जानने के लिए क्या है बाध्य है। अब ये न कहिएगा कि हम रात में खाते हैं तो दिन में पानी पीते हैं, तो रात में जगते हैं तो दिन में सोते हैं। अब ये अलग बात हो गई, यानी कि समय के प्रभाग कितने हैं, कौन कौन पहर होते हैं, ये समझाइए ना कि न्यायालय स्वयं क्या करता है, जानता है, इसकी क्या ली जाएगी जुडिशियल नोटिस, इसी को न्यायिक अवेक्षा। अगला देखिए, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग, कितने महाद्वीप हैं, कैसे क्या हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, यानी कि शासकीय राजपत्र में आपका किस तारीख को लोक उत्सव के लिए घोषणा की गई है, यानी कि पब्लिक आपका खुशी मनाए, अगर ये सरकार ने अपने राजपत्र में घोषित किया है, मैंने तो ऐसी दशा में उसको मानने के लिए न्यायालय बाध्य हैं। अगला देखिए, उपवास, किस दिन लोग उपवास करते हैं, तो आपका देखे ही थे कल कई लोग क्या किए थे, उपवास किए थे, तो इसको बताना नहीं है। तो भाई कई लोग किए थे बताएंगे नहीं, वो अलग बात है, हम पूछने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनल मामला है, चाहे उपवास करिए चाहे पानी पी कर रहिए, भोजन करके रहिए, उससे हमें बहुत मतलब नहीं है भाई। अगला आपका देखिए भाई, आपका अवकाश दिन, यही आपका अटैक करना है, किस दिन छुट्टी है, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने किस तारीख को छुट्टी का ऐलान किया है, ये साबित नहीं करना है। ये बात न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है बात। अब ये नहीं कि कोर्ट में बताइए कि ये दिन सरकार ने छुट्टी घोषित की है, पहले से लिस्ट हर एक जगह सरकारी विभागों में लगी रहती है साल भर की, और बीच में कोई संशोधन होता है तो मैं बता दूं, स्पेशल मैसेज जाता है, यानी कि जो वहां का अधिकारी है फैक्स जाएगा तुरंत, और कहा जाएगा कि जितने आपके कर्मचारी हैं तुरंत इसको फॉरवर्ड करिए, क्योंकि आज अचानक क्या देना पड़ा, छुट्टी। अब छुट्टी साबित नहीं करना है, लेकिन एक क्वेश्चन बेयर एक्ट पर यहाँ लिख लीजिए, अवकाश किस आपका हॉलीडे किस कानून के तहत घोषित किया जाता है, तो वह आपका उत्तराखंड में एक बार बना है, लिख लीजिए, इन अवकाश एनआईए के एनआईए NIA शॉर्टकट में लिखिए, NIA की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है। NIA मतलब आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ना मार दीजिएगा, वो भी एक NIA है। NIA मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि हिंदी में लिखना चाहें तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अवकाश को जरूर पढ़िएगा, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, यह भी अंग्रेज बनाकर चले गए 1881। देखिए 9वां क्लास हो गया, आप 10वां आ जाए, अवकाश पर जरूर अटैक करिएगा, पूछा जा चुका है। अगला देखिए 10वां, भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत सरकार के कब्जे में कौन कौन से एरिया हैं, इसको साबित नहीं करना पड़ेगा, इसे न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है बाध्य। अगला देखिए, भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ, चालू रहना और पर्यवसान मतलब समाप्त हो जाना। अब आइए इसमें भी अच्छा आपका, भारत सरकार और किसी देश के साथ कब युद्ध प्रारंभ हुआ,
कब तक युद्ध चला और कब किस तारीख को युद्ध समाप्त हुआ, इसको साबित नहीं करना पड़ेगा। न्यायालय इस बात को स्वयं जानने के लिए क्या है बात। फिर एक बार समझिए, भारत सरकार के साथ किस देश के साथ कब युद्ध शुरू हुआ, कब तक चला और लास्ट कब हुआ, इसको प्रूफ नहीं करना है बल्कि न्यायालय इसे स्वयं जानने के लिए क्या है बात है। अगला देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत सरकार और किसी निकाय मतलब बॉडी मतलब कोई संगठन का मतलब, जैसे कि आपका माओवादी संगठन है, पूर्वोत्तर में तमाम संगठन सक्रिय हैं, नक्सलाइट हैं जो बार बार CRPF को मारे भी जा रहे हैं, तो इनके साथ कब संघर्ष प्रारंभ हुआ, कब तक चला और कब संघर्ष पर्यवसे यानी कि टर्मिनेट हो गया, यानी कि कब समाप्त हो गया, इसको भी न्यायालय स्वतः जानने के लिए क्या है बात। देखिए अगला भाई आपका, अगर आपका बारहवां न्यायालय के सदस्यों और ऑफिसरों के तथा उनके उपपदीय और अधीनस्थ ऑफिसरों और सहायकों के और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब ऑफिसरों के भी तथा सब अधिवक्ताओं, अटार्नियों, प्रोक्टरों, वकीलों, प्लीडरों और उनके समक्ष उपस्थित होने या कार्य करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम भी जानने के लिए न्यायालय क्या है बात। यानी कि न्यायालय में कौन कौन से अफसर काम कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, ये बताना नहीं है, ये न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है, कौन प्लीडर हैं, कौन अधिवक्ता है, बताना नहीं है, अधिवक्ता के नाम को भी जानने के लिए न्यायालय स्वयं क्या है बात। अब आप कल्पना करिए 10-20-15 हज़ार अधिवक्ता हाई कोर्ट में हैं, क्या यह संभव है कि सभी का नाम न्यायालय जान सके? नहीं, लेकिन जितना रजिस्टर्ड नाम है उनको तो भाई लिस्ट उनके पास रहती है, आपका कह सकते हैं तमाम चीज़ें रहती हैं, तो बस अगर किसी का नाम भूल गया तो एक बार पूछ लेगा कि अपना नाम बता दीजिए। तो भाई जैसे प्राइवेट वकील गए, नाम देखा नहीं हाई कोर्ट के जज साहब, तो फैसला देते समय एक बार पूछते हैं मिस्टर काउंसिल अपना नाम बता दीजिए, तो वकील साहब अपना नाम बता देते हैं, क्योंकि भाई लिखा तो जाएगा कि इनके पद से इस वकील को क्या किया गया, सुना गया। तो अगला ये आपका 13वां देखा जाए, भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम, यानी कि समुद्र में मार्ग का नियम क्या है, चलने के नियम जहाज़ों के, भूमि पर क्या नियम है, तो आपका भूमि पर चलने के नियमों का उल्लेख ट्रैफिक एक्ट में किया गया है और कुछ नियम भी बनाए गए हैं। तो आपका जब आप रोड पर चलते हैं तो क्या कुछ नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उन नियमों को स्वतः जानने के लिए न्यायालय क्या है। एक और नियम आपका है, मैंने चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पर, वह ये चल रहा है कि भाई जब बाइक बेची जाए तो सरकार ने अब नियम बनाया है कि बाइक के साथ फ्री में हेलमेट कंपनी द्वारा दिया जाना अनिवार्य है। तो लोग बाइक खरीदने जा रहे हैं तो अब हेलमेट कंपनी स्वतः देगी फ्री में, उसका पैसा नहीं लेगी। तो कई आपका देखिए तो कई लोग देती ही नहीं और 1000 में अलग से बेच देगी, क्योंकि उस पर उसका बाप का नंबर चढ़ता है और वह नंबर इंटरनेट पर डाला जाता है जो हेलमेट का नंबर है। तो जब भी आप बाइक खरीदने जाइए कहीं तो बाइक के साथ हेलमेट ज़रूर मांगिए, क्योंकि आपका हक है और हेलमेट क्या मिलेगा, फ्री में, उसका पैसा नहीं लगता है। देखिए आपका भूमि के मार्ग यानी कि कैसे आप रास्ते में चलेंगे, रोड पर चलेंगे, और आपका समुद्र का मार्ग, समुद्र का नियम क्या है, तो आपका समुद्र का भी नियम होता है कि किस एरिया से कौन सी जलयान निकलेगा, और समुद्र के नियमों का उल्लंघन करना दंडनीय भी है। इसमें एक आपका
करंटीन का नियम देखना है, क्योंकि ये भी समुद्र से ही संबंधित था, अब लैंड पर लागू कर दिया गया, जिसे आपका क्वारंटाइन कह रहे हैं आप लोग, उसको करंटीन का नियम, उसको अलग से लिख लीजिए कहीं, क्योंकि भाई लिखवाते समय अब इतना थोड़ा लिखवा जाएगा 13, तो 4 लाइन उतना तो बैरक से आपको पढ़ना है, लिखिए आपका क्वारंटीन या करंटीन। अब आपको अगर देखिए क्वारंटीन या करंटीन का जो नियम है ये क्या है, तो क्वारंटीन का पहले मतलब समझिए। क्वारंटीन का मतलब हुआ अन्य व्यक्तियों से पृथक रखना, अन्य व्यक्तियों से पृथक यानी कि अलग कर देना। ये नियम समुद्र में लागू है और सेक्शन हम आईपीसी का बता रहे हैं 271, लिख लीजिए आईपीसी का सेक्शन 271 271 इंटरव्यू में इस समय आ सकता है। आईपीसी की धारा 271 में क्वारंटीन या करंटीन भी कहा जाता है का नियम है। करंटीन मतलब कि उसको क्या करना अन्य माने चीज़ों से पृथक। तो देखिए पहले समुद्र का नियम बता दिया जाए और तब कोरोना काल का नियम लास्ट में बता दिया जाए आपका। समुद्र का नियम ये था कि अगर किसी जलयान पर आपका महामारी फैल जाती थी तो उस जहाज़ को अलग कर दिया जाता था और जहाज़ के लोगों को उतरने नहीं दिया जाता था, वहीं भोजन वोजन खाइए ताकि छुआछूत अन्य लोगों में न फैले। अब वही कहानी जब कोरोना आया तो वही नियम कहाँ लागू कर दिया गया, ज़मीन पर, कि क्वारंटाइन हो जाइए। और क्वारंटाइन इसलिए किया जाता है कि अगर आप में कुछ है बीमारी तो वह बीमारी दूसरों को न फैले। तो देखिए कितना बवाल क्वारंटाइन में भी किया गया। तो इस प्रकार आपका देखिए लास्ट में भाई आपका लास्ट वाला कल बताया जाएगा, समय भी हो गया है तो भाई आईपीसी भी चलाना है। देखिए कल भाई आपका शेड्यूल बता दिया जाए, सोमवार को ही लास्ट वाला। कल आपका पहला पीरियड टीपीए चलेगा, उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिखवाया जाएगा और 11 बजे से लास्ट में 12 बजे तक आपका जब तक चले आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट लिखवाया जाएगा, ताकि एक लेक्चर का बचा है 20 धारा लगभग कल समाप्त हो जाए। और आपका टेस्ट सीरीज भी भाई अगले हफ्ते से शुरू होगी आपको बता दिया जाए। आपका उत्तराखंड प्री के लिए पहले शुरू किया जा रहा है और एक टेस्ट का 40 रुपया दाम रहेगा, यानी कि कम पैसे में ही टेस्ट कराया जाए। तो आज जो लोग देना चाहते हैं 8-10 टेस्ट कराया जाएगा। प्रयास ये किया जाएगा कि कठिन क्वेश्चन बनाया जाए, आसान तो सब घटना चक्र और आपका तमाम किताबों से रट ही डाले हैं लोग। तो प्रयास ये करना है कि कठिन कठिन क्वेश्चन बनाया जाए, आसान तो कोई कर ले जाएगा। तो अगले हफ्ते से अभी शुरू करेंगे संडे से, लेकिन आपको पहले ही सूचित किया जाता है कि भाई 40 रुपया एक टेस्ट की फीस रहेगी। आप आइए पहले जमा करिए, उस दिन जमा करिए सुबह और अपना टेस्ट दीजिए। 2 घंटे का टेस्ट रहेगा और आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जैसे आता है कंपटीशन में ना। हाँ सारे सब्जेक्ट भाई 4 सब्जेक्ट एपीओ में जो आएंगे। तो अभी आपका 10 मिनट बाद आईपीसी चलेगी भाई। और कल आपका जो लोग एविडेंस और आईपीसी पढ़ते हैं भाई न आए, शेड्यूल हम बता दें कल का। कल पहले टीपीए चलेगी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 11 बजे से उत्तराखंड पुलिस एक्ट लिखवाना है, लेक्चर पूरा हो गया। शाम को आज केवल पुलिस एक्ट चलेगा 2 दिन, शाम का भी शेड्यूल बता दिया जाए भाई। आज जो शाम को और आज और कल केवल उत्तराखंड पुलिस एक्ट चलाना है, ताकि शनिवार तक समाप्त हो जाए। हाँ